तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे, डर देखेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी है कांग्रेस पार्टी ने। दिल्ली में अल्पसंख्यक लोगों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की बैठक और कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे से अब डर झलक रहा है। 2019 का चुनाव बीजेपी को हराएगी कांग्रेस, और उन्होंने ये भी कहा कि चौकीदार चोर है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आइए आपको सुनाएं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने और क्या क्या लोगों को संबोधित किया। आपने टीवी पे, अच्छा शांत हो जाएं, आपने टीवी पे ध्यान से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा है? देखा आपने? आपने उनके चेहरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे, डर देखेंगे कि अब 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा पता लग गया है कि हिंदुस्तान को बांटने से, नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का राज नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है, अगर वो नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। 5 साल पहले कहा जाता था 56 इंच की छाती है, नरेंद्र मोदी जी 15 साल राज करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी है कांग्रेस पार्टी ने। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, गरीबों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, जहां भी आप देखें नरेंद्र मोदी की सच्चाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने देश को बताई है। और 2019 में आप घबराइए मत, 2019 में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस पार्टी हराने जा रही है। माइनॉरिटी कन्वेंशन है? नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं सुनिए, मैं करता हूं। देखिए इसका तरीका है। ये आजकल देश में बहुत बड़ा फैशन बना है, इसको सही तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, पहले होता था बीजेपी के लोग कहते थे अच्छे दिन, दूसरी साइड से जनता कहती थी आएंगे अच्छे दिन आएंगे। अब देश में कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं, दिल्ली के किसी भी कोने में, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जब कोई कहता है चौकीदार, अब देखिए देश के चौकीदार थोड़े मुझसे गुस्सा हुए हैं। वो कहते हैं आपने हमें बदनाम कर दिया, मगर मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं, हमने आपको बदनाम नहीं किया, आप बहुत अच्छा काम करते हो, हम सिर्फ एक चौकीदार की बात कर रहे हैं जो चोर है। माइनॉरिटीज की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखिए, ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का, किसी एक प्रदेश का, किसी एक भाषा का नहीं है। ये देश हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का है। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा कहती है कि यह देश सबका है,
और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, क्या नाम था उनका? मौलाना आजाद। तो अगर आज आप आईआईटी की बात करते हो, अगर आज आप आईआईएम की बात करते हो, अगर आज आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम की बात करते हो, तो आपको मौलाना आजाद की बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो, तो स्पेस प्रोग्राम की नींव किसने रखी? नाम क्या था? विक्रम साराभाई। उनका धर्म क्या था? जैन धर्म। तो अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो, तो आपको विक्रम साराभाई जी की बात करनी पड़ेगी। यस। अगर आप सफेद क्रांति की बात करते हो, तो आपको कुरियन जी की बात करनी पड़ेगी। यस। अगर आप 1971 की बात करते हो, तो आपको फील्ड मार्शल मानेकशॉ की बात करनी पड़ेगी। यस। और अगर आप लिबरलाइजेशन की बात करते हो, और अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, तो आपको मनमोहन सिंह की बात करनी पड़ेगी। तो हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, इन्होंने हर कदम पर देश को बनाने का काम किया है, और इस देश को हर धर्म के लोगों ने बनाया है। ये देश हम सबका है। दो विचारधाराएं, एक विचारधारा कहती है यह देश सोने की चिड़िया है, अमित शाह के शब्द हैं। अमित शाह ने कहा कि यह देश सोने की चिड़िया है, मतलब यह देश एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है। सोने की चिड़िया से सोना मिलता है और उसका फायदा चुने हुए लोगों को मिलना चाहिए। और दूसरी सोच, यह देश एक नदी जैसी है, इस नदी में सब लोग हैं, यह एक साथ चलती है, और हर एक व्यक्ति को नदी में, देश में जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा बोले, कुछ भी पहने, सबको इस देश में सही जगह मिलनी चाहिए। यह लड़ाई है। और लड़ाई, बैटलफील्ड क्या है? बैटलफील्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आरएसएस का लक्ष्य, आरएसएस चाहता है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे परे कर दिया जाए और इस देश को नागपुर से चलाया जाए। आप देखिए, जुडिशियल सिस्टम में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, इलेक्शन कमीशन में अपने लोग डालते हैं, सीबीआई का चीफ अगर नरेंद्र मोदी पर इंक्वायरी करना चाहता है, उसको परे करते हैं, आरएसएस का आदमी डालते हैं। तो उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का है, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को नागपुर से चलाया जाए, और उनके, क्या नाम है उनके बॉस का, मोहन भगवत जी पूरे देश को पीछे से चलाएं। नरेंद्र मोदी जी फ्रंट फेसिंग, मोहन भगवत जी पीछे से रिमोट कंट्रोल, ये इनकी सोच है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो इस देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो सब के सब, उनकी रक्षा करना, हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उसी लाइन में कहते हैं
जस्टिस लोया, जस्टिस लोया का नाम लेते हैं और इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने दे रहा है, हर इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण करते हैं। ये अपने आप को हिंदुस्तान के ऊपर समझ के रखे हैं, ये सोचते हैं कि ये देश नीचे है और हम ऊपर, और 3 महीने में ये देश इनको समझाने जा रहा है कि देश ऊपर है आप नीचे। मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं, को इसकी आप इसकी गहराई आप समझो। 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं चली है, 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस ने अपने लोगों को डाल रखा है। कमलनाथ जी ने मुझे बताया मध्य प्रदेश में एक स्पेशल मिनिस्ट्री तैयार की गई, 800 करोड़ रुपए उस मिनिस्ट्री में डाले गए। आपको मालूम है वो पैसा कहां गया? आपको मालूम है कि इस मिनिस्ट्री ने क्या काम किया? 800 करोड़ रुपए आरएसएस के लोगों को दिए, 800 करोड़ रुपए, एक मिनिस्ट्री, उसमें आरएसएस के सब लोग, और एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को कंट्रोल करने का सिस्टम। यही काम इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया है, राजस्थान में इतना नहीं कर पाए क्योंकि हम 5 साल पहले वहां थे। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, इन स्टेट्स में आरएसएस के लोगों को एक एक करके हम सरकार के इंस्टीट्यूशंस में से निकालने का काम करेंगे। और इन प्रदेशों के ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए, इन प्रदेशों की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए कि आप आरएसएस की ब्यूरोक्रेसी नहीं हो, आप हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो। और आप किसी एक संगठन के लिए काम नहीं करोगे, आप हिंदुस्तान की जनता के लिए काम करोगे। यह सच्चाई है, जहां भी ये जाते हैं ये देश के ढांचे को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री में आज गडकरी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया लोकसभा में, मैं था नहीं मगर मैंने सुना। गडकरी जी कहते हैं मैं बीजेपी का एक ही नेता हूं जो सब लोगों का काम करता है। बाकी सब नहीं भैया, गडकरी जी का भी रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है। मैंने ये बोला कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि हमें भी काम नहीं करने दिया जाता है, और ये सच्चाई है। और आप कांग्रेस पार्टी की सरकारें देखिए, शायद हम उसको ज्यादा ले जाते हैं। हमारी सरकारों में हर मंत्री अपना डिसीजन लेता है। मनमोहन सिंह जी जरूर प्रधानमंत्री हों मगर उसमें हमारे सब मंत्रियों की जगह होती है, क्योंकि हम आवाज सुनकर काम करते हैं, हम जनता की आवाज सुनकर काम करना चाहते हैं। तो आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, हम बैकफुट पे नहीं खेलने वाले हैं, और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एक सेकंड के लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप
क्योंकि आप सब, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कहीं के भी हो, आप सब इस देश के हो और आप सब की जगह इस देश में आपको मिलेगी। आखिरी बात सुनिए, देखिए, आप एक बात नोट कीजिए, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की इमेज जो थी, रेप्यूटेशन जो था, बहुत बढ़िया था। बात एक्सेप्ट करते हो? आप एक्सेप्ट करते हो कि आज नरेंद्र मोदी चोर है, मगर आज वो बोल भी नहीं पाता है। आज नरेंद्र मोदी मतलब खुल के बोल भी नहीं सकता है। बात मानते हो? एक्सेप्ट करते हो? चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, प्रधानमंत्री यूं नहीं बोल सकता। आज प्रधानमंत्री यूं बोलता है। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये काम कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस को टक्कर देके बिना एक इंच पीछे हटके हमने ये काम किया है। मतलब कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने हमने देश को रास्ता दिखाया है। मैंने आपको ये नाम पढ़ के बताए, आजाद जी, साराभाई जी, कुरियन जी, ये मनमोहन सिंह जी, ये मैंने आपको नाम पढ़ के दिखाए। मगर जब इस देश में मुश्किल होती है तो देश कांग्रेस पार्टी की ओर दिखता है। सफेद क्रांति, हरी क्रांति, आजादी की लड़ाई, बैंक नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, लिबरल, ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, जब ये देश रास्ता निकालने को मन बना लेता है तो ये देश ऑटोमेटिकली कांग्रेस पार्टी की ओर देखता है। न्यूज रूम से सिटी होम चैनल के लिए अरविंदर सनाना की ये खास रिपोर्ट।